हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो यामा FZS वर्जन 4 है उसका मीटर सेट, या तो मीटर में जो टाइम होता है वो सेट कैसे करना है। फर्स्टली आपको स्विच ऑन करना है, उसके बाद में देखो ये मीटर कंसोल कुछ ऐसा है इसका, ठीक है। इसके बाद में दो बटन से यहाँ पे, एक है सिलेक्ट की और सेकेंड बटन है रिसेट की। तो ये जो दोनों बटन से इनको साथ में प्रेस करना है, ठीक है। ऐसा इन दोनों को साथ में प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे बटन्स को साथ में, तो देखो ये दिख रहा है आपको, ये ब्लिंक हो रहा है अभी 1। इसको अपन से अभी हमको करना है 3। इसको रीसेट के बटन से प्रेस करना है, इसको चेंज कर सकते हो आप लोग, देखो ठीक है। चेंज हो रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे चेंज होता है इससे, ठीक है। तो हमको 3 करना है इसको, और उसके बाद में ओके करना है। तो आपको ये सिलेक्ट की बटन दबाना है, ठीक है। ये बटन दबाएंगे इससे ओके हो जाएगा, ठीक है। इसे ओके हो गया, उसके बाद में 24 है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको चेंज करना है तो उसके लिए ये रिसेट के बटन दबाएंगे हम लोग। जब दबाओगे तो इसके बाद में ये जो 24 है, 25, 26 होगा। जैसे आपको जैसे जैसे हमको ये टाइम ओके करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया आपका टाइम सेट। तो ये छोटी सी एक प्रोसेस थी और एक शॉर्ट वीडियो है जो कि FZS वर्जन 4 के लिए है, ठीक है। थैंक यू।